बेटी का क्या नाम था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी का क्या नाम था? मेरा नाम आंचल कुमारी, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूं। मैं आज यह बताने क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू का बेटी का क्या नाम था? श्रीमती इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही जवाब, श्रीमती इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी थी और वो भी बाद में हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी। अभी तक एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो वही है, उनकी ही बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी। समझ रही हो ना? और उनका बचपन का नाम था प्रियदर्शनी। क्या नाम था? प्रियदर्शनी। उनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में एक जगह है आनंद भवन। क्या नाम है उस जगह का? घर का नाम है आनंद भवन। वहीं उनका जन्म हुआ था और उनकी माँ का नाम कमला नेहरू था। माँ का नाम क्या था? कमला नेहरू। इसलिए जानना चाहिए, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन सकती है, महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते, सब में क्षमता है, लेकिन उनको उजागर करना है। क्या करना है? मेहनत और लगन से क्या करना है? उजागर करना है। आप लोग भी प्रधानमंत्री बनिएगा, निश्चित रूप से बनिएगा, लेकिन ढंग से रहिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल क्या है? इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था? अच्छा, जन्मदिन। श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन। मेरा नाम मुस्कान भारती है, मैं क्लास 8 की छात्रा हूँ। मैं आज यह बताने आई हूँ कि इंदिरा गांधी का जन्म कब हुआ था। 19 नवंबर 1917 को। बिल्कुल सही जवाब, 19 नवंबर 1917 को। इसलिए हम लोग उस समय मनाए थे ना 19 नवंबर को, दो वीरांगनाएं जन्म ली थी 19 नवंबर को, एक श्रीमती इंदिरा गांधी, दूसरा रानी लक्ष्मी बाई। दूसरा रानी 19 नवंबर खास दिन है, वो दो वीरांगनाएं जन्म ली है। चलिए अब सवाल क्या है? समाज सेवक महात्मा गांधी के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहती हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा उनकी माता का नाम पुतली बाई था। गांधी जी के बचपन का नाम मोहन था। महात्मा गांधी जी की चर्चा का प्रसिद्ध भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी किया गया था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मुकदमे के सिलसिले में गए, वहां पर उन्हें रेलगाड़ी में उनके साथ रंग भेदभाव किया गया था, जिससे वे कि वे काले और गोरे के प्रति जो भेदभाव किया जा रहे हैं उन्हें वह समाप्त करके ही रहेंगे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे के प्रति रंग भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया और इस आंदोलन में सफल रहे। जब गांधी जी 1914 ईस्वी में भारत लौटे, 1917 में चंपारण में हो रहे किसानों के द्वारा नील की खेती का वारंट चंपारण के एक व्यक्ति राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा और महात्मा गांधी चंपारण लौटे और वहां पर किसानों के द्वारा नील की खेती अंग्रेजों करवाते थे। महात्मा गांधी जी ने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन चलाया और उसमें सफल भी हुए। महात्मा गांधी जी की मृत्यु 23 जनवरी 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे ने किया, जो एक पत्रकार था। थैंक यू। हमारे अभी जो है नवंबर माह का जो डोमेन है, हम हैं समाज सुधारक। क्या है नाम? हम हैं समाज सुधारक। उनमें महात्मा गांधी का नाम आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। तो उनके बारे में अंकिता बहुत अच्छा बोली, फिर से अंकिता के ताले। महात्मा गांधी जो बहुत बड़े समाज सेवक थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? बहुत सुंदर सवाल। महात्मा गांधी की माँ का क्या नाम था? कई के लिए बहुत अच्छा। दो सवाल, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी और महात्मा गांधी के माता जी का क्या नाम था? दो सवाल कल के लिए लाइएगा ना सभी बच्चे। देखिए ये विद्यालय आते हैं सीखने के लिए।
याद रखिए, ज्ञान लेने के लिए आते हैं। इसको जो है सामान्य ज्ञान की एक कॉपी नोटबुक बनाइए, उसमें रोज लिखिए, ज्ञान बढ़ेगी। इधर से सुन के इधर के लिए नहीं, हम लोग इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, इसीलिए मेहनत आप लोग को हर हाल में करना होगा। आप लोग को देश को ऊंचा बनाना है ना, तो देश हमारे बच्चों से ही ऊंचा बनेगा। हम लोग शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, बच्चों को बनाने के लिए, बच्चे बनेंगे तब हमारा देश ऊपर होगा। ऐसे नहीं कि भारत देश कैसे ऊपर होगा, हमारे बच्चों से ऊपर होगा। समझ में आया ना? चलिए आप क्या है, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अभी अंकिता ने महात्मा गांधी के बारे में बताया आप लोगों को, बहुत अच्छी बात उसने बताई। और चूँकि हमारा थीम है समाज सेवा, समाज सेवक के बारे में जानना इस महीने, तो महात्मा गांधी के बारे में जो सबसे अच्छी बात बताई अंकिता ने, वो ये कि गांधी जी ने काले गोरे का जो एक भेद था हमारे समाज में, और ये सिर्फ हमारे समाज में ही नहीं था, ये पूरे विदेशों में, पूरी दुनिया में ये फैला हुआ था। जो यूरोप के लोग थे, वहाँ के लोग अपने आप को गोरे और बाकियों को काले कहते थे, और सिर्फ इसलिए कि कोई काला है और उसके साथ भेदभाव किया जाता था। और इसका एक बहुत बड़ा शिकार हुए थे खुद गांधी जी, उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस ट्रेन में सिर्फ गोरे लोगों को सीट मिलती थी, उन्हें ही वहाँ उसमें यात्रा करने की इजाज़त थी। गांधी जी बहुत अच्छे घर से संबंधित थे, दीवान परिवार से थे, और उनके पास पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन चूंकि यूरोप के लोग भारतीयों को काला समझते थे, सिर्फ इसी आधार पे उन्होंने उन्हें उस ट्रेन में यात्रा नहीं करने दी। काले गोरे का भेद अगर देखें तो आज भी हमारे समाज में बहुत ज़्यादा व्याप्त है, और लोग दिखाते हैं, प्रचार में आता है, तरह तरह की क्रीमों का प्रचार आता है कि ये लगाइए वो लगाइए, और लोग जो है क्रीम खरीदते हैं किस लिए, तो गोरा होना है, काला रंग होना, गोरा रंग होना, ये हमारी बस की बात नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं प्रकृति से मिली हैं, भगवान ने हमें दी हैं, तो हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो मिला है उसको स्वीकार करना है सभी को, यही हमारा असली रूप है, और इसके आधार पर कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रंग रूप है। बहुत बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि अच्छे रंग रूप के लड़के लड़कियां भी किसी शिकार से उनका एक बदसूरती आ जाती है। तो इस चीज़ पे कि वो सांवला है या काला है या सुंदर है या कुरूप है, इस आधार पे कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने बनाई हुई चीज़ें नहीं हैं। तो हमेशा इस बात का ख्याल रहे कि आप अपनी बातों में इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, और इस तरह का भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाइए, और खुद भी इनसे दूर रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा बात बताइए। समझे ना, काले गोरे का भेद करना ही नहीं है, जो समाप्त हो गया था वो समाप्त होने दीजिए, अगर है तो उनको हम लोगों को समाप्त करना, यही सब तो पूरी थी है, यही पूरी थी है, इसी सब को हम लोगों को खत्म करना है। चलिए अब क्या है।